मॉर्निंग क्लास, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस का, ब्रीदिंग। सो इसकी डिटेल्स में देखते हैं हमारे चैप्टर के अंदर क्या क्या है। सो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एयर जो है वो हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। एयर की वजह से ही हम लाइफ में जिंदा रहते हैं, हम सांस ले पाते हैं तभी हम जिंदा रह पाते हैं। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वी ब्रीद मोर व्हाइल डूइंग सच एक्टिविटीज। जैसे जब हम स्किपिंग करते हैं तो हमारी जो सांसें हैं, जो ब्रीदिंग है, वो और ज़्यादा फास्ट रेट पे चलती है। जब हम रनिंग करते हैं, जब हम साइकिलिंग करते हैं, तो अगर हम इनमें से कोई भी ऐसा टास्क करें जिसकी वजह से हमारी ब्रेथ रेट जो है वो हाई हो जाती है, तेज तेज चलना शुरू कर देती है। सो हमारी ब्रीदिंग के टू स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। जब हम नोज से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, जब हमारी एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है। जब हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जब हम बाहर की तरफ हवा निकालते हैं, तो उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सो हमारे ब्रीदिंग का पूरा प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है। हम नोज से अपनी जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, उसको इनहेल करते हैं, वो हमारी विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है। जब वो हमारे लंग्स में चले जाती है तो यहाँ पे हमारे डायफ्रेगम होते हैं जो नीचे की तरफ एक्सपैंड होते हैं, डाउनवर्ड्स की तरफ चले जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमने एयर इनहेल्ड करी है, अंदर की तरफ ली है। जब और जैसे यहाँ पे भी है, जो हम इनहेलेशन की वजह से हमारे डायफ्रेगम जो है वो डाउनवर्ड्स मूव हो जाते हैं। इसी तरीके से क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो हम एक्सहेल भी करते हैं, जो अंदर हमने सांस ली है उसको बाहर निकालते हैं। जब हम अपनी सांस बाहर निकालते हैं तो हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, जिसे हम एयर एक्सहेल बोलते हैं, एयर का बाहर निकलना। जब हमारा एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारे जो डायफ्रेगम होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव हो जाते हैं, जो जैसे इसके मैं आपको पिक्चर में दिखाया गया है एरो से। सो ये हमारा पूरा ब्रीदिंग का प्रोसेस है। और हमें ब्रीदिंग के प्रोसेस जब इनहेल और एक्सहेल होता है तो कैसे पता चलता है, जब हमारा जो यहाँ पे डोम शेप मसल होता है, हमारा डायफ्रेगम, वो अगर डाउनवर्ड्स की तरफ मूव हुआ है तो हमने इनहेल किया है, अगर अपवर्ड मूव हुआ है तो हमने एक्सहेल किया है। तो डायफ्रेगम से यहाँ पे ये पता चल पाता है कि हम एक्सहेल और इनहेल कब कर रहे हैं। नाउ ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, जो हमारी सांसें कितनी रेट पे चल रही होती हैं। जैसे जब हम रनिंग और साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होती है, बहुत तेज तेज चलती है। और बल्कि जब हम घर पे रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है। ब्रीदिंग रेट जो होती है उससे ये पता चलता है कि हम नॉर्मल सांस ले पा रहे हैं। अगर हमें कभी दिक्कत होती है या परेशानी लगती है तो सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो ऊपर नीचे होती है, तो कभी ज़्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, तो उससे हमें ये पता चल पाता है कि हम बीमार हैं या फिर सही हैं। सो अब देखिए, जैसे ऑन एन एवरेज एक हेल्दी अडल्ट की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 12 to 20 ब्रेथ्स होती है पर मिनट, ठीक है, जो बिल्कुल एक हेल्दी अडल्ट होता है। उससे पहले हमारी अगर कोई 6 months का बेबी है तो उसकी 30 to 60 ब्रेथ्स होती है पर मिनट। 6 to 12 months के लिए 24 to 30 ब्रेथ्स होती है पर मिनट। 1 to 5 ईयर्स के लिए 20 to 30 ब्रेथ्स होती है पर मिनट। 6 to 12 ईयर्स 12 to 20 ब्रेथ्स होती है पर मिनट। अब ये है 12 years and up, मतलब 12 साल से ऊपर 12 to 20 breaths होती है पर मिनट। सो आपको दिख रहा है ये चार्ट से कि हर बार जो है ब्रीदिंग रेट जो है वो एज के साथ साथ अलग होती जा रही है। तो ये ब्रेथ रेट्स बहुत डिपेंड करती है ये पता लगाने के लिए कि आप अभी बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो या फिर आप इल हो। तो ब्रेथ रेट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। सो अब ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, मतलब हम अपनी एयर को, जो हमारी बॉडी की एयर है, उसको अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी गर्म चीज़ को ठंडा करने में या ठंडी चीज़ को गर्म करने में, तो उसी का हमारा एग्जांपल है। जैसे अगर हम कभी सूप पी रहे हैं और हमारी मम्मा कहती है कि वो सूप गर्म है, तो हम क्या करते हैं, उसको फूंक मार के ठंडा करते हैं और वो ठंडा हो भी जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमने अपनी जो एयर वहाँ पे निकाली है बाहर, उसमें मॉइस्चर होता है और वो एयर जो है वो सूप से ज़्यादा ठंडी होती है। तब जो वो एयर सूप पे जाती है तो उस सूप को ठंडा कर देती है। ऐसे ही जब सर्दियों में हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और हम उसको ब्लो करके गर्म करने
करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे अंदर की एयर होती है उसमें वार्मर होती है, गर्म होती है, तो जब हम वो अपने बाहर हाथों की तरफ मारते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट से गर्म है, तो हमारे हाथ जो है वो गर्म हो जाते हैं हमारे अंदर के गर्म एयर की वजह से। तो हमारी जो एयर है वो दोनों काम करती है, ठंडा भी करती है और चीज़ों को गर्म भी करती है। सो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये बच्चा यहाँ से फूंक मार के आग को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब वो ब्लो कर रहा है तो उसकी जो अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है वो जब हमारी बॉडी से है ना ऑक्सीजन जब उस एयर के थ्रू निकल रही है और उस फायर पे लग रही है, तो वो फायर जो है और ब्लो हो रही है, क्योंकि जो हमारी फायर है वो तभी ब्लो होती है जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती है। तो इसी तरीके से हम अपने एयर से किसी फायर को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपने देखा होगा कभी कोई मिरर होता है, जैसे गाड़ी का शीशा वगैरह भी होता है, हम कभी वहाँ पे अपने मुँह से भाप भी छोड़ते हैं, तो हमारे जो एयर के वाटर वेपर्स होते हैं वो उस मिरर पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें ऐसा दिखाई देता है, और फिर हम उसके ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो हमें पता चल पाता है कि वहाँ पे जो है हमारी माउथ से जो वाटर वेपर्स हैं वो कलेक्ट हुए हैं। सो अब ये हमारा रिलेटेड है हमारे लाइफ स्किल से, जैसे जब भी हमारे अगर ब्रीथिंग रेट है वो एबनॉर्मल है, अलग अलग हो रही है, क्योंकि हमने अभी चार्ट में देखा था कि हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो चार्ट के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन अगर वो टाइम टू टाइम स्विच हो रही है तो उसका मतलब वो हमारे लिए डेंजरस है ना, तो हम लोग बीमार हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसका जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। जब हमारी ब्रीदिंग रेट जो है एबनॉर्मल होती है तो हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हम सांस नहीं ले पाते, हमें प्रॉब्लम होती है, बार बार खांसी होती है, या फिर आप ज़्यादा चल भी नहीं पाते हो तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पुअर ब्रीदिंग रेट के हमारी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम सांस नहीं ले पा रहे तो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन वीक होता है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारी जो फास्टर है हार्ट बीट वो बहुत जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है, हमारे हाथ और पांव ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रीदिंग रेट का जो है वो हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, अगर हमारी ब्रीदिंग जो है वो पुअर है, बहुत एबनॉर्मल तरीके से हम ब्रीद कर रहे हैं, तो हमारी पूरी होल बॉडी उससे अफेक्टेड होगी। सो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे योगा कर सकते हो, जनरल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिससे आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो कंट्रोल में रहे। हाँ, अगर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टर को रेफ़र ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है डॉक्टर से आपने रेफ़र कर लिया और आप वापस खुद को फिट करना चाहते हो, तो आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। जो ये फिजिकल एक्सरसाइजेज होते हैं ये हमें एक्टिव और फिट रखती हैं, ताकि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना हो, और जो बहुत अलग बीमारियां भी हो जाती हैं उनसे भी हमें दूर रखती हैं। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जाना, वी ऑल नीड एयर टू ब्रीद एंड टू स्टे अलाइव, सबको एयर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और सांस लेने के लिए, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जो है सांसों पर भी ध्यान दें, ब्रीदिंग रेट पर भी ध्यान दें कि हम सही से ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि हमने अभी अपने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि हमारी ब्रीदिंग जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सांस लेना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है,